केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में सस्ते घर खरीदने पर टैक्स में छूट दी है। टैक्स में दी गई छूट के बारे में हमारे साथ शहर के कुछ लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि ये जो छूट दी गई है सरकार की, वो ठीक है और किस तरह से है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवलोक कुमार है। टैक्स ने मैं छूट दी गई है जो सस्ते घर में एक साल की, तो ये कैसा फैसला है सरकार का? सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, जो लोग मकान लोन लेके खरीदते हैं उनके लिए काफी अच्छा कदम है। उससे जो है, एक तो जो स्टार्टिंग में हम लोग पे करते हैं वो 75% जो है इंटरेस्ट पे जाता, उससे काफी राहत मिलेगी। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। प्रतीक जी, सरकार ने इसके साथ ही एक घर बेच करके दूसरा घर खरीदने पर भी टैक्स में छूट दिया, सरकार का ये फैसला किस तरह से? बहुत बढ़िया कदम है, सराहनीय कदम है। एक्चुअली में पहले क्या होता था, हम लोग अगर कोई मकान खरीदते थे तो उसमें मोटा हमारा जो बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में चला जाता था गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने उसको छूट देके मिडिल क्लास फैमिली को बहुत बड़ी राहत दी है। गोस्वामी नाम राकेश जी, जो सरकार ने टैक्स में छूट दी है घर खरीदने पर, तो उसको लेकर ये तो बहुत अच्छा किया इस बार तो, और सारी पब्लिक भी खुश है आज, और ये इनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इससे ये कदम इनको पहले करना चाहिए था, जो आज इन्होंने ये डिसीजन लिया है। केंद्र सरकार की ओर से अभी अंतरिम बजट पेश करने से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। उनका ये कहना है कि सरकार को ये काम पहले ही बजट में कर देना चाहिए था। ईटीवी के लिए आगरा से श्यामवीर सिंह।